धर्म में शास्त्रों का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन हजारों साल पहले शास्त्र लिख दिए गए थे और कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखी गई बातें आज भी सटीक बैठती हैं और चाणक्य नीति भी इसी प्रकार का एक शास्त्र है जिसमें चाणक्य द्वारा लिखी गई कई नीतियां हैं। आचार्य चाणक्य जिनकी नीतियों का पालन करके हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। जी हाँ, आज हम आपसे आचार्य चाणक्य की उन्हीं नीतियों के बारे में बात करेंगे जिनमें ये कहा गया है कि सुबह के वक्त किसी भी व्यक्ति को भूलकर इन चीजों को नहीं देखना चाहिए। जी हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर हमारी सुबह शुभ कामों के साथ शुरू हो तो पूरा दिन ही अच्छा गुजरता है, लेकिन वहीं अगर कुछ गलत दिख जाए तो पूरा दिन रो रो कर बीतता है। फिर यही लगता है कि कितनी जल्दी ये दिन बीत जाए जिससे ये खराब परिस्थिति जो है वो जल्दी खत्म हो जाए। अक्सर हम अपने आसपास की ढेर सारी बातों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इनका हम पर सीधा असर देखने को मिलता है। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजें बताएंगे जिन्हें आपको कभी भी सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए। कहा गया है कि सुबह उठते ही कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए। जब आप सोकर उठते हैं तो आपका शरीर नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित रहता है, इसीलिए आप आलस महसूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रेश होने के बाद ही आईना देखना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि आंख खुलते ही किसी व्यक्ति का चेहरा देखने से बचना चाहिए, इसीलिए कोशिश करें कि सुबह उठते ही किसी का भी चेहरा ना देखें। इसके पीछे ये धारणा बताई गई है कि व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग तरह के भाव होते हैं जिसे देखकर आपके भाव भी बदल जाते हैं, लेकिन ईश्वर बिना भाव के हैं, निर्विकार भाव आपके देखते हैं और आप भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं जिससे आपके मन में सकारात्मकता भर जाती है। दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव को ध्यान करते हुए करें, उनके दर्शन करें, इससे आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी। सुबह उठते ही अगर आप शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज़ आपके कानों में पड़ जाए तो इससे भी आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ जाती है। कहा गया है कि हथेली के अगले हिस्से में माँ लक्ष्मी का वास होता है, हथेली के मध्यम भाग में सरस्वती का और मूल भाव में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि सुबह उठकर सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर देखना चाहिए। सुबह के समय नाश्ता करने से पहले किसी पशु या किसी गांव का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे माना जाता है कि आपका पूरा दिन अच्छा नहीं बीतता। कुछ ऐसी चीजें आज हमने आपको बताई अपनी इस रिपोर्ट में जिसे देखना सुबह के समय कहीं ना कहीं अशुभ माना गया है, और आपको हमेशा ही इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी व्यक्ति जो है वो अपनी ही गलतियों की वजह से मुसीबतों में फंस जाता है और उसके बाद भगवान के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि आपने ऐसा किया, हमारे पास हमेशा ही दुख रहता है। तो पहले अपनी गलतियों को देखें और उसके बाद किसी को भी दोष दें। वहीं ये भी बताया गया है कि सुबह के समय आप अपनी सोच में जितनी ज़्यादा सकारात्मकता भर के रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से आर्थिक रिपोर्ट।